वोई 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 देखिए क्या टेस्टी टेस्टी टॉपिंग पनीर दही वाले सैंडविच। वाह 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 क्या जबरदस्त है। बस जबरदस्त है, बिल्कुल क्रिस्पी टेस्टी यमी है। बिल्कुल बच्चों को यही खिलाना है ना, मेयोनीज वाले सैंडविच मत खिलाना, दही में बना के खिलाना, ठीक है। आप मैं बनाने जा रहा हूँ, आप देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, प्लीज़ प्लीज़ आखिरी तक वीडियो को ज़रूर देखें। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम और एक रेसिपी के साथ आ रहे हैं, दही वाले सैंडविच। आज आपको टेस्टी टेस्टी क्रिस्पी क्रिस्पी सैंडविच बना के खिलाता हूँ, वो भी बहुत टेस्टी, हेल्दी और डिलीशियस। चलो हम लेट ना करके ये बनाते हैं, और आप ये वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना प्लीज़। चलिए बनाते हैं। हम लेंगे पनीर, प्याज, कैप्सिकम, धनिया की पत्ते और पुदीने की पत्ते, ओके। और उसके साथ हम लेंगे दही और काली मिर्ची, ठीक है। अभी हम कटोरी ले लेते हैं, तो उसमें से डालेंगे अभी कैप्सिकम। मैंने दो कैप्सिकम लिया हूँ, एक छोटा प्याज लिया हूँ, और ये पत्ते दो दो चार चार, और पनीर लिया हूँ मैं, वो आपकी टेस्ट के अनुसार आप ले सकते हैं 100 ग्राम्स या जो भी है, कितने लोग हैं आप घर में उतने। और उसमें से हम डालेंगे दही, बिल्कुल घर में बनाया हुआ यम्मी यम्मी क्रीमी क्रीमी दही। ये दही जो है ना, आपको थोड़ा गाढ़ा डालना है उसमें से। हम इसमें 4 से 5 चम्मच डाल दिए, और उसमें से डालेंगे अभी काली मिर्च। अभी 1 चम्मच काली मिर्च डाल दिए, और 1 चम्मच नमक डाल देंगे इसमें से। अभी देखिए, हम नमक डाल के इसको बस अच्छे से मिला देंगे। इसको देखिए, अच्छे से मिला दिए, ये बन गया सैंडविच का जो क्रीमी क्रीमी यम्मी यम्मी मसाले। ओके, इसको हम बना देते हैं। चलो हम लेते हैं अभी ब्रेड, उसमें लगाते हैं थोड़ा सा बटर, और ये स्टॉप करके चीज़ के साथ डाल देते हैं। चलिए बनाते हैं हम अभी, ये रेडी हो चुका है। देखिए, आप हमेशा ना लोग चीज़ के साथ बनाते हैं, मेयोनीज के साथ बनाते हैं और वो बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ापन, बट दही में हम बनाते हैं, देखिए कैसे गाढ़ा गाढ़ा बना हुआ है और टेस्टी है। आपको पता है मेयोनीज के अंदर कितना तेल रहता है, कितना अनहेल्दी है वो, ठीक है। तो इसलिए हम दही के साथ बनाते हैं, सेम टेस्ट देता है और उससे अच्छा टेस्ट देता है। चलिए हम बनाते हैं। ये लिए हमने ब्रेड, इसमें लगाएंगे थोड़ा सा बटर। ये देखिए, हमने बटर लगा दिए, और उसमें डालेंगे अभी हम ये देखिए इसमें डाले हम ये सारे जो स्टॉपिंग किए इसमें से, और इसके अंदर हम डाल देंगे ये चीज़, अमूल वाला चीज़। क्या टेस्ट बनेगा यार, ज़बरदस्त, बिल्कुल बच्चों के लिए, सबके घर के हर मेंबर के लिए टेस्टी टेस्टी क्रिस्पी क्रिस्पी सैंडविच। और इसको हम लगाएंगे इसके ऊपर, और सीधा डालेंगे। ये हम पैन में डाल दिए हैं थोड़ी टाइम तक, और इसको हम थोड़ी देर के बाद पलटाएंगे। जैसे पलटा दिए, इसमें डालेंगे थोड़ा सा बटर, और बटर डालने के बाद थोड़ा दोबारा से पलटा देंगे इसको हम। दोबारा से पलटा देंगे, पलटाने के बाद उसके ऊपर डालेंगे और थोड़ा बटर, अमूल बटर। ओहो, ये रहा, ये बटर डाल दिए, इसको थोड़ी देर, बस 2 मिनट के लिए, और अच्छे से क्रिस्पी कर। लो जी, आपकी सैंडविच बन के तैयार हो गया है। अभी हम इसको लेंगे खाने के लिए। अभी आप ये देखते रहिए, ये आपकी सैंडविच बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। अभी हम इसको देखिए, आवाज़ आ रहा है क्रिस्पीनेस का, ये देखिए, और बस इसके अंदर देखिए स्टॉपिंग, देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, जूसी जूसी बिल्कुल, वाओ क्या बात है। बस ये देखिए, और इसमें से हम डालेंगे थोड़ा सा सॉस टमाटर वाला, और ये बिल्कुल रेडी है बस, ठीक है। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए प्लीज़ प्लीज़, आखिरी तक वीडियो को ज़रूर देखना।
थैंक यू।